हेलो गुड मॉर्निंग, मैं रंजीत BGMI क्लास से आपका BGMI क्लास में स्वागत है। हम अपनी क्लास को आगे निकालते हुए इंडियन ज्योग्राफी में आज नदी का पहला क्लास होगा जो कि हम लोग सिंधु तंत्र के बारे में, सिंधु सिस्टम के बारे में देखेंगे, जिसमें हम सिंधु नदी और इनकी सहायक नदियों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे हम सिंधु नदी पढ़ेंगे तो हम सिंधु नदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी सिंधु नदी, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी, इत्यादि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आज की वीडियो में हम लोग अभी देखने वाले हैं। जैसे कि अभी हम क्या बोले कि मुझे सिंधु सिस्टम के बारे में पढ़ना है, यानी कि सिंधु तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो इस सिंधु सिस्टम में पढ़ने से पहले फिर हम देखते हैं फिगर को, और ये फिगर बस इसमें हम क्या ध्यान देंगे कि सिंधु तंत्र में पढ़ने से पहले हमें सिंधु रिवर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिंधु रिवर पढ़ना है। तो ये जो सिंधु रिवर हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें क्या देखेंगे कि यहां पर एक तिब्बत का पठार है। क्या है? एक तिब्बत का पठार है। क्या है? तिब्बत का पठार, और इस तिब्बत के पठार से निम्नलिखित नदियां निकलती है जो कि सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। तो ये हमारी सिंधु तंत्र के बारे में थी, और सिंधु तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सिंधु रिवर पढ़ना है, सिंधु नदी पढ़नी है। तो हम तिब्बत के पठार, ये सब क्या है? तिब्बत के पठार है। और इस तिब्बत के पठार में, इस तिब्बत के पठार में यहाँ पर एक पर्वत है। क्या है? पर्वत है, और इस पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत, फिर से बोलेंगे कि तिब्बत के पठार में एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत, और इस कैलाश पर्वत पर एक बर्फ का पहाड़ है, एक ग्लेशियर है जिस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, जो ये हमारी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, इस चेमा युंगडुंग ग्लेशियर को, इस चेमा युंगडुंग ग्लेशियर को बुखार छू ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। फिर से बोलेंगे, तिब्बत के पठार में कैलाश पर्वत है, और इस कैलाश पर्वत के पास क्या है? चेमा युंगडुंग या बुखार छू ग्लेशियर है, और इस ग्लेशियर के पिघलाव से, ये ग्लेशियर के पिघलाव से, ये ग्लेशियर के पिघलने से एक झील का, एक लेक का निर्माण होती है, और जिस झील को हम लोग बोलते हैं मान सरोवर। फिर से बोलेंगे, तो इस ग्लेशियर के पिघलाव से मान सरोवर झील का निर्माण होती है, और ये मान सरोवर झील से आपको यहां से ये जो नदी निकल गई तिब्बत चीन से, इस ही नदी का नाम है सिंधु नदी। तो यहां से ये नदी कौन सी निकल गई? आप बोलिएगा कि इस नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु, ठीक है। इसमें भी हम सबसे पहले नोट में एक चीज लेंगे, जो ये कैलाश पर्वत है या काराकोरम
पर्वत का भाग है। तो कैलाश पर्वत किसका भाग है, यानी कि पाद हिमालय यानी कि काराकोरम पर्वत का भाग है, जो कि तिब्बत में अवस्थित है। फिर से बोलेंगे तो तिब्बत में, तिब्बत के पठार में कैलाश पर्वत, और इस कैलाश पर्वत के ऊपर चेमेन इंडुंग ग्लेशियर, जिसे हम बुकार छू ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं। अब इस ग्लेशियर के पिघलाव से एक झील का निर्माण हो रही है, जिस झील को मानसरोवर झील बोलते हैं, और इस मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकल रही है, इस मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकल रही है। तो अब जरा सा हमें ध्यान देनी होगी कि जो हमारी जो सिंधु नदी है, ये जो हमारी सिंधु नदी है, ये यहां से तो निकल गया, कहां से निकल गई, यहां से तो निकल गया तिब्बत से। अब तिब्बत चीन होते हुए भारत में प्रवेश करने से पहले, भारत में प्रवेश करने से पहले एक गर्ज का निर्माण करती है। तो गर्ज किसे कहते हैं, जब ये कोई नदी किसी पर्वत को काटकर अपनी मार्ग का जो निर्माण करती है उसे गर्ज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक गर्ज का निर्माण करती है, जिस गर्ज का नाम है सिंधु गर्ज, सिंधु गर्ज। देखिएगा तो सिंधु नदी भारत में प्रवेश करने से पहले कौन सी गर्ज का निर्माण करती है, तो सिंधु गर्ज का निर्माण कर भारत में प्रवेश करती है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी पॉइंट क्या होगी कि जो सिंधु नदी है वो भारत की भारत में किस स्थान पर सबसे पहले प्रवाहित होती है, आती है, कहां से बहती है, ठीक है। तो आपको याद क्या करना पड़ेगा, सिंधु नदी भारत में एक दम चौक, क्या दम चौक नाम का एक स्थान है, क्या है, अब यहां का जो एरिया है इस एरिया का नाम है दम चौक, दम चौक। अभी जो दम चौक है, तो सिंधु नदी भारत में कहां प्रवेश करती है, आपको बोलना पड़ेगा सिंधु नदी दम चौक में भारत में प्रवेश करती है, और यहीं से भारत में ये क्या करती है, एंट्री मारती है। तो ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि सिंधु नदी भारत के कुल कितने राज्यों से होकर बहती है। अब ये क्वेश्चन खत्म हो गई है। अब सिंधु नदी भारत के सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है, जिस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लद्दाख, क्या नाम है, लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर क्या हो गया, जम्मू कश्मीर नहीं जाती है। तब क्या देखेंगे कि बंटवारे के बाद ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर एक ये राज्य है जिसका नाम है लद्दाख, और इस लद्दाख में ये सिंधु नदी क्या कर गई, इसे बह रही है, और लद्दाख के बाद कहां चली गई, पीओके में, पीओके में, ठीक है। और ये वाला पार्ट आपका हो गया जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर में इन नहीं किए। अब यहां पर हम क्या ध्यान देंगे कि यहां पर एक पर्वत है और इसके यहां पर भी एक पर्वत है, ध्यान दीजिएगा। तो इस पर्वत का नाम है कौन सी पर्वत, जास्कर पर्वत, और इस पर्वत का नाम है लद्दाख पर्वत। तो सिंधु नदी भारत के कुल कितने राज्य, सॉरी, सिंधु नदी भारत के किन दो पर्वतों के मध्य से होकर बहती है, तो लद्दाख और जास्कर पर्वत के मध्य से होकर के बहती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा जो हमारी सिंधु नदी है, एक चिलार नाम का जगह है, क्या है, चिलार, देखिएगा तो यहां पर एक जगह का नाम है चिलार, लिख देते हैं हम चिलार। अभी जो चिलार है, तो चिलार के पास से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु नदी पाकिस्तान में कहां से प्रवेश करती है, आप बोलिएगा कि चिलार के पास से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और ये हो गया आपका अरब सागर, क्या हो गया, ये हो गया आपका अरब सागर। ये पूछेगा कि अरब सागर में कहां गिरती है, हमें बोलना पड़ेगा कराची,
कराची कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। तो कराची के समीप जाकर के अरब सागर में सिंधु नदी गिर जाती है, और अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी, आपसे पूछेगा कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। और अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी है। भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी भारत की कौन सी है? तो नर्मदा हो जाएगी। फिर से सुनिएगा, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी, और अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी जो सिंधु नदी है, तो जरा सा हम नोट में लिख देते हैं यहां पर, सिंधु नदी, पहला पॉइंट नोट में यहां पर नोट कीजिएगा कि पाकिस्तान की लंबी नदी है, एक पॉइंट। पॉइंट नंबर सेकेंड में क्या नोट करेंगे हम लोग कि सिंधु नदी या पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है, दो पॉइंट। तो एक में क्या देखें कि सिंधु पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, सिंधु पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। पॉइंट नंबर थर्ड में क्या देखेंगे हम लोग, नोट नंबर थ्री में, कि सिंधु अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी है। पॉइंट नंबर फोर में क्या देखेंगे हम लोग, नोट नंबर फोर में ये देख लिए हम लोग, हम लिखेंगे जो सिंधु नदी है या सर्वाधिक पाकिस्तान में बहती है। नोट नंबर फाइव में क्या देखेंगे कि सिंधु विश्व की बड़ी नदियों में शामिल है, क्या देखेंगे, सिंधु विश्व की बड़ी नदियों में शामिल है। तो सिंधु विश्व की बड़ी नदी में से एक है, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है, सिंधु अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है, यह सर्वाधिक कहां बहती है? तो पाकिस्तान में बहती है। और ये था सिंधु नदी का निर्माण। अब हमें देखना है कि इसकी सहायक कुछ नदियों को देख लें। तो सहायक नदी को देखेंगे तो आपको सबसे पहले यहां से फिर याद करना पड़ेगा कि यहां से और एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है सतलज नदी। क्या नाम है? सतलज नदी। तो सिंधु की सहायक नदी में देखिए सतलज नदी, और इधर से एक नदी आती है चिनाव नदी। चिनाव में रावी और झेलम कौन कौन, यहां पर लिख देते हैं झेलम, रावी, सतलज, इसका नाम है चिनाव, और यहां पर एक नदी आके इसमें मिल जाती है, इसमें जिसका नाम होती है बयास नदी। इतना कुछ ज्यादा ये नहीं करना है, यानी कि पंजाब की पांचों नदियां सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाव, रावी। एक अब इस जास्कर पर्वत से
इस जासकर पर्वत से एक नदी निकलती है जिस नदी के नाम है जासकर नदी। और ये जासकर नदी जो है लेह में जा करके मिल जाती है। किससे मिल जाती है? सिंधु से मिल जाती है, जो कि इसकी क्या है? सहायक नदी है। तो ये भी देख लिए। फिर यहाँ पर देखेंगे और एक नदी है जिसका नाम है शिगार नदी। इसका नाम था जासकर नदी। तो एक का नाम हो गया शिगार नदी, एक का नाम हो गया जासकर नदी। ये सभी के सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। अब हमें ध्यान देना था कि यहां पर अफगानिस्तान में से एक नदी आती है और इस नदी का नाम है काबुल नदी। कौन सी नदी? काबुल नदी। तो काबुल नदी कहां से आती है? अफगानिस्तान से आती है और यह अटक के पास, पाकिस्तान में एक जगह का नाम है अटक। कहां है? तो पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है अटक और इस अटक के पास आकर के सिंधु से मिल जाती है। चलिए एक और नदी देखा जाए। अब देखेंगे हम लोग कि यहां से और एक नदी आती है पाकिस्तान से और इस नदी का नाम है खुदम नदी। तो खुदम नदी कहां से आ रही है? पाकिस्तान से। और यह मिठानकोट पाकिस्तान में ही जाकर के सिंधु से मिल जाती है। और इसके बाद सिंधु नदी पाकिस्तान के कराची में अरब सागर में गिर जाती है। अब हम देखेंगे इसके बाद कि सिंधु की बाईं ओर से मिलने वाली नदियां और दाईं ओर से आकर के मिलने वाली नदियां। पहली चीज कि सिंधु की बाईं ओर से मिलने वाली नदियां ये सभी है और दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में क्या देखिएगा कि ये आपकी ये क्या था? आप बोलिएगा कि ये सिंधु नदी है और इस सिंधु नदी में इधर से एक नदी आती है, इस नदी का नाम है संयोग नदी। कौन सी नदी? संयोग नदी। तो ये जो संयोग नदी है सिंधु की सहायक नदी है। और देखेंगे कि संयोग की सहायक नदी है नुब्रा नदी। इसका नाम है नुब्रा नदी। आज हम सिर्फ सिंधु नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग सतलज पढ़ेंगे, चिनाव, रावी, ब्यास, झेलम इत्यादि, नुब्रा, संयोग, सब नदी को एक एक करके क्या करेंगे? देखेंगे। तो हम उम्मीद करते होंगे कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अभी जो यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ था इस रिवर से 2016 में यूपीएससी में कि तिब्बत की पठार से निकलने वाली निम्न नदियां कौन सी है, तो इसमें तो तीन नदी तो आप सभी लोग जानते हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र सबको जानता है। तो हम बोलेंगे यांगसी तयांग, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। यांगसी तयांग, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। वहांगो पीली नदी। पीली नदी सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये सभी नदियां कहां से निकलती है? तिब्बत की पठार। तो तिब्बत की पठार से निकलने वाली सब क्या है? नदियां है। इसमें भी बहुत सारी है मेकांग, इसमें भी बहुत सारी है मेकांग, इरावती, मेकांग, इरावती।
ये सभी तिब्बत की पठार से निकलती है, ना कि यही तीनों निकलती है, ये सभी तिब्बत की पठार से निकलती है। उम्मीद करते होंगे आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये सिंधु रिवर समझ में आई होगी। तो सिंधु रिवर कुल कितने देशों से होकर बहती है, 1, 2, 3 चीन और एक भारत, दूसरी पाकिस्तान। तो सिंधु नदी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलता है, बोले कहाँ मिलता है, यहाँ पर, ये पाकिस्तान में, और दूसरी सबसे अधिक विस्तार भारत में, तीसरी तिब्बत या चीन बोलेंगे। सिंधु नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में शामिल है। सिंधु नदी बारहमासी नदी है क्योंकि इस नदी का निर्माण ग्लेशियर से हुआ है। तो सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। सिंधु नदी इस तरह से क्या देखेंगे, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। इत्यादि बात को हमने यहाँ पर क्या कर लिए, इत्यादि क्वेश्चन को कवर कर लिए। उम्मीद करते होंगे इससे आगे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे एग्जाम में, और ये सिंधु नदी आपकी क्या हो गई, समाप्त हो गई। फिर भी अभी इसमें क्या पढ़ना है, एक सिंधु समझौता पढ़ना है जिसका अगला वीडियो देंगे हम। 1960 में सिंधु समझौता हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, इसमें सिंधु और इसकी सहायक नदियों का जल, तो इसका एक अलग वीडियो बनाया जाएगा सिंधु नदी के समझौता के बारे में। आज के लिए जय हिंद और जय भारत।